कुछ महीने पहले न्यूजीलैंड में चले अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया था। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच हुए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड नियम के तहत आउट करार दिया गया था। इसके बाद से ही वेस्टइंडीज की टीम की जमकर आलोचना की गई थी, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा था कि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने गलत ढंग से गेंद को विकेट पर जाने से नहीं रोका था। आपको बता दें कि इससे पहले 2016 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारावा को इसी तरीके से आउट किया था, जिससे हर कोई हैरान था। इस घटना के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने ट्वीट कर लिखा था कि ये क्या बेहुदा मजाक है और खेल भावना के बिल्कुल विपरीत। उन्होंने कहा कि मैं 100 से ज्यादा ऐसे बार कर चुका हूँ। 17वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 77 रन पर 2 विकेट था। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज जीवेशन 47 रन बनाकर क्रीज पर थे। उन्होंने गेंद खेली जो ऑफ स्टंप के पास आकर रुक गई। उन्होंने खुद ही गेंद उठाकर विकेटकीपर और कप्तान इमैनुअल स्टीवर्ट को दे दी। स्टीवर्ट ने जीवेशन की इस गलती का फायदा उठाते हुए अंपायर से बल्लेबाज के खिलाफ फील्ड पर बाधा डालने के लिए अपील कर दी। थर्ड अंपायर ने वीडियो देखने के बाद ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड नियम के तहत दक्षिण अफ्रीकी ओपनर को आउट करा दे दिया। ये बात अलग है कि वेस्टइंडीज टीम को इसका कोई फायदा नहीं मिला और दक्षिण अफ्रीका ने मुकाबला 76 रनों से जीता। हालांकि इस घटना के बाद से वेस्टइंडीज टीम की जमकर आलोचना की गई। क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भी इसे गलत ठहरा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर ने भी कैरेबियाई टीम के इस हरकत को गलत बताया था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।